तो हेलो गाइस, मैं हूं लक्ष्मण, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं, एक वीडियो बनाने वाले हैं एक चार्जर के विषय में, क्योंकि मेरा पास एक चार्जर है एलईडी बल्ब का, तो ये ख़राब हो चुका है बहुत ही जल्दी। आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर रहे हैं, ये एक्चुअली ख़राब हो चुका है। ये एक मोबाइल का चार्जर भी है और प्लस की 12 वोल्ट इसमें सप्लाई ये इसमें बनाया गया है। तो हम इसी तरह का चार्जर को हम अपने अनुसार से हम बनाने वाले हैं, क्योंकि हम 12 वोल्ट का एक्चुअली हम बनाएंगे और उसमें 5 वोल्ट भी सप्लाई बना सकते हैं या फिर 12 वोल्ट भी आप सप्लाई बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा ये चार्जर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम इसको साइड कर देते हैं फिलहाल। तो हमको बनाने के लिए देख लीजिए, एक कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ेगा 155J 400 वोल्ट का है और प्लस 1 मेगावाट का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं। प्लस मेरे पास एक और कैपेसिटर है 25V 470UF और मेरे पास 4 डायोड है 4007 का। फिर मेरे पास 2 जीनर डायोड है, जो एक 12 वोल्ट का है, एक 5 वोल्ट का है, इसको भी रख देते हैं। मेरे पास एक 1K रेजिस्टेंस है और एक एलईडी बल्ब है। तो चलिए हम इस सर्किट को बनाने का तैयारी करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास 4 डायोड है 4007 का, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे एक लेग दिया हुआ है, ये प्लस का चिन्ह है, देख लीजिए, देख लीजिए, एक प्लस का चिन्ह है आगे में। उसी तरह एक और इसमें प्लस का चिन्ह है, उसको आप एक तरफ लगा के इस तरह राउंड कर देंगे और दूसरा में माइनस की ओर करेंगे, जो ब्लैक साइड है, ठीक है। ये हो चुका है। अब दोनों को इस तरह से लगाएंगे, जो एक तरफ माइनस भी होना चाहिए और दूसरे तरफ प्लस भी होना चाहिए, माइनस प्लस दोनों तरफ होना चाहिए, देख लीजिए। अब देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं इधर प्लस का भी है और इधर माइनस का भी है, जो एक लेग पे बनाए हुए, और इधर भी एक प्लस है एक माइनस है, जो एक लेग बनाया है। और इधर देख सकते हैं प्लस का एक ही तरफ का है, जो एक है, और एक माइनस का है, जो एक तरफ, ये माइनस निकलेगा, ये प्लस निकलेगा और ये इसमें लाइन जाएगा, जो 2 PF है इससे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्किट मेरा तैयार है, अब कैपेसिटर इस पर कनेक्शन देते हैं। ये जो माइनस है ये इस तरफ होगा, ब्लैक की तरफ साइड, तो देखिए हम दोनों कनेक्शन कर दिए हैं कैपेसिटर का। देखिए माइनस साइड और ये प्लस साइड है, देख सकते हैं, तो माइनस साइड हुआ जो ये, एक माइनस साइड हो गया, माइनस का चिन्ह दे दिया हुआ है और ये प्लस का साइड, ऐसे ही लगा देना। अब इसमें हमको 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए, तो हम जीना डायोड लेंगे, ये छोटा सा होता है, हम जीना डायोड लेंगे 5 वोल्ट का
और ये जो लेग है ब्लैक साइड, ये प्लस होता है। ये देखिए हम प्लस की ओर राउंड कर दे रहे हैं और ये माइनस की ओर। अब इसमें हम कैपेसिटर लगाएंगे जो 1 मेगावाट का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देख लीजिए इसे ही लगाना है आपको, ठीक है। अब इधर से हमको कनेक्शन कर देना है, हम इस साइड भी कर सकते हैं या फिर ये साइड भी, दोनों तरफ से किसी साइड से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन हो गया है, अब दो वायर लेंगे माइनस प्लस, ये दोनों कनेक्शन कर दिए। अब हम एक एलईडी बल्ब लेंगे और 1K रेजिस्टेंस लेंगे, इसको हम कनेक्शन कर देते हैं, प्लस की साइड रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये हो गया, यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। ये मेरा कनेक्शन हो चुका है, अब इसमें 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्शन देंगे। ये मेरे पास वायर है, ये कनेक्शन हो चुका है, अब हम इसमें 220 वोल्ट करंट देते हैं। अब इसमें हम देखेंगे लाइन देखेंगे लेकिन कितना वोल्ट आ रहा है सप्लाई, पांच वोल्ट माइनस में सेट कर रहे हैं, ये देखिए 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम 12 वोल्ट का जीनर डालेंगे, जीनर डायोड तो 12 वोल्ट सप्लाई देगा। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का जीनर डायोड है जिसमें हम बीच में लगाएं, उसमें हम लगा देंगे तो 12 वोल्ट सप्लाई देगा। तो देखिए हम इसमें 12 वोल्ट का जीनर डायोड लगाए हैं और हम 12 वोल्ट सप्लाई चेक करके बताएंगे। देखिए देखिए 12 वोल्ट 14 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब लोड देने के बाद 12 वोल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए करंट नहीं आ रहा है इसमें, तो वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।